हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे मैपिंग क्लासेस के बारे में, जो कि आपको काफी पसंद आ रही है। हम लोग काफी लाइक भी कर रहे हैं, इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। जो हमारी मैपिंग क्लासेस चल रही है, बेसिक से एडवांस चल रही है, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है इसका। आज पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 0 और पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर के देख लीजिए, उसमें बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी है पार्ट नंबर 0 में, और इसके अलावा पार्ट नंबर 1 में। एटलस पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में हम आपको पढ़ाए हैं। तो जाकर के देख लीजिए, अगर वीडियो ना मिले तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। वैसे आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। और साथ में आज हम लोग देखेंगे जो मैपिंग है वो आज से ही आपकी रियल स्टार्ट होगी पार्ट नंबर 2 से। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में देखने वाले हैं, और इसी में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी देखने को मिलेगी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल पर बहुत सारी मूवियां भी बनी हुई, आप लोगों ने देखी भी होंगी, हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी बनी है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी मैगजीन भी, कहानियां भी हैं, एलियन से संबंधित, भूत से संबंधित, घोस्ट शिप से संबंधित। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से कोई भी प्लेन गुजर के जाता है या फिर जहाज गुजर के जाता है, शिप गुजर के जाते हैं तो वो यहाँ पर गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो एलियंस कैप्चर कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज है। तो आज हम ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि जब हम आपको उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर ही आपको बरमूडा ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, तो इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है वो भी आज आपको समझना है। देखिए, इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको पता चलेंगी और महत्वपूर्ण चीजें तो बहुत ही ज्यादा पता चलेंगी। जैसे आप बहुत सारे लोग हैं ना जो पढ़ लेते हैं, उन्हें क्लासिफिकेशन ही नहीं आता है। अगर उनसे पूछ लो कि मध्य अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका और लैटिन अमेरिका बताओ कौन कौन से देश आते हैं, तो गोल गोल घूम जाते हैं। लेकिन हम आपको आज क्लियर कर देंगे, आज के बाद हम कभी भी नहीं भूलने वाले। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो जो 3-4-5 साल से तैयारी करते हैं उनसे पूछ लेना कि केंद्रीय अमेरिका और साथ में जो मध्य अमेरिका है और साथ में लैटिन अमेरिका बताओ, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, उसको खुबड़ी घूम जाएगा, क्या क्या यार अभी मैं घूम के आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे चलो रुको अभी कॉपी पेन लेकर के आओ, अभी हम पढ़ाते हैं। ओके, तो देखिए आज हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में और दक्षिणी अमेरिका के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, और साथ में हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है, तो क्लासिफिकेशन भी हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका में कितने देश आते हैं, दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, इसके अलावा मध्य अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इन तीनों में कंफ्यूजन रहता है। ऊपर के दो तो सभी जानते हैं, लेकिन ये तीन में कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि आज आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के रखिए, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे बैठे हुए हैं देख रहे हैं, बोले कि सर तो लेक्चर दे रहे हैं, कहानी सुन लो बाद में तो हमें सब याद हो जाएगा, हम तो क्या सुपरमैन है। लेकिन नहीं, आप लोगों के लिए कॉपी पेन रखना है और अच्छे से नोट करना है जो भी चीजें बताई जा रही हैं, और साथ में आप लोगों के लिए विजन, आज ही वीडियो हमने डाली थी कि विजन की क्या सीरीज है, हिंदी में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सिंगल क्लिक में, जाकर के देख लीजिए। चैनल पर विजिट करेंगे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट में मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को सेंड कर दी जाएंगी। अब आपको एवरी संडे को 10 बजे आप लोगों के लिए विजन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिला करेगा। आप देखिए करंट अफेयर की सीरीज है वो भी आपको डेली मिलने लगी है, सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर की सीरीज विजन, पूरे साल का करंट अफेयर कवर कराया जा रहा है शिवम सर के द्वारा। पहले हम आईएस बाबा कवर कराने वाले थे, लेकिन अब हम नहीं बल्कि शिवम सर हैं जो 7 बजे विजन की पूरी मैगजीन कवर करा रहे हैं, एक साल की आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग 2022 में पेपर दे रहे हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं शिवम सर की सीरीज को। ओके, इसके अलावा चलिए हम लोग आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। तो देखिए आपको पूरी हमारी इस तरह से विश्व मानचित्र देखने को मिलेगा। इस विश्व मानचित्र में जो आपको 7 महाद्वीप देखने को मिलेंगे, वैसे रिसेंटली न्यूजीलैंड 8वां महाद्वीप है उसकी भी खोज हो गई है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए एक आपको ये देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका जिसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, और दूसरा साउथ अमेरिका जिसको दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं, इनके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। तो आज हम लोग पॉलिटिकल मैप देखने वाले हैं। देखिए मैप की अगर हम बात करें तो हम उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल मैप होता है जिसको राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल मैप बोलते हैं, जिसको भौतिक भौतिक मानचित्र बोलते हैं। ओके, जिसमें फिजिकल लोकेशन दे रखी होती है, जैसे पर्वत पठार नदियां, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। राजनीतिक मानचित्र होता है जो आपको देखने को मिलेगा, हम अपने देश का जो विभाजन कर लेते हैं वो राजनीतिक मानचित्र होता है। लेकिन जो भौतिक मानचित्र होता है
ये प्राकृतिक विभाजन होता है। क्या होता है? ये प्राकृतिक विभाजन होता है, मतलब जो हमारी नेचर है वो इसका विभाजन करती है, विभाजन। ओके। और राजनीतिक मानचित्र, जैसे कि राजनीतिक मानचित्र क्या, जैसे भारत पाकिस्तान पहले क्या था, एक ही था, इनमें आपको प्राकृतिक विभाजन देखने को समानता नहीं मिलेगा। ये क्या है, राजनीतिक विभाजन कर लिया भाई हमने लाइन खींच करके। तो ये किस दृष्टि से होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है वो प्रशासनिक, प्रशासनिक या फिर राष्ट्रीय, राष्ट्रीय दृष्टि से किया जाता है। ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम इसका राजनीतिक मानचित्र देखने वाले हैं। फिर राजनीतिक मानचित्र जब हम लोग देख लेंगे तो फिजिकल जो मैप होता है उससे कनेक्ट करके हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमको इंटीग्रेटेड स्टडी करते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और किस क्रम में आपको याद करना है। आज आपको एक कॉन्सेप्ट भी देंगे, आप देखिए उत्तरी अमेरिका का आपको एक कॉन्सेप्ट देंगे, फिर आपको दक्षिणी अमेरिका का देंगे, सारे के सारे देश याद हो जाएंगे और साथ में कहां से कौन सी रेखा गुजरती, कौन लैंड लॉक है, सबको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं पाई जाती है, मतलब स्थल है, मतलब उसकी जो सीमा है वो सभी देशों की सीमा है, वो किसी ना किसी तट से जुड़ी हुई है, मतलब किसी ना किसी सागर महासागर से जुड़ी हुई है, वो स्थल अवरुद्ध नहीं है किसी देश के द्वारा। तो ये चीज हम पहले आप लोगों के लिए पढ़ा चुके हैं। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो देखिए यहाँ पर तो वैसे यूएस है आपको इधर देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग कनाडा से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको किस तरह से पढ़ना है, जैसे कि आप लोग अपनी गलियों में घूमते हैं, जैसे टूर नहीं करते हैं, इधर से हम घूमते हुए जा रहे हैं, सांप की तरह उधर से निकल आए, इसी तरह से पढ़ना है। और सुबह उठा करिए, पेंसिल उठाया करिए और ऐसे गोल गोल आप लोग घूमा करिए, बस इतना ही करना है, रटना नहीं, रटना मना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, कनाडा, कनाडा से आप जाएंगे, फिर कनाडा से घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंच गए, यानी कि आप लोग अमेरिका पहुंच गए, फिर अमेरिका से कहाँ आ गए, मैक्सिको में आ गए। अब मैक्सिको से नीचे जाएंगे, देखिए ग्वाटेमाला। अब देखिए ध्यान से, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी क्रम में आप लोगों के लिए पढ़ना है, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनेगा, वरना क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। तो देखिए डेली सुबह उठिए और सिर्फ 5 मिनट में पूरा विश्व मानचित्र आप लोग घूम लिया करेंगे, बस आप लोगों के लिए अपनी हैबिट में लेकर के आना है। डेली आप लोग हमारी वीडियो देखिए, मैपिंग की वीडियो आपको 3 बजे मिलेंगी, और फिर उठ करके बिना वीडियो देख करके आंख बंद करके आप लोग घूमने लगेंगे और पूरा एटलस, पूरा मानचित्र आपके दिमाग में घूमा करेगा। तो देखिए पहले हम कहाँ थे, कनाडा, कनाडा से आए अमेरिका, और अमेरिका से हम चले गए कहाँ, मैक्सिको में चले गए, और मैक्सिको से हम लोग गए ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला से हम लोग गए एल साल्वाडोर, और एल साल्वाडोर से देखिए हम गए होंडुरस में गए, और फिर हम लोग गए निकारागुआ, और निकारागुआ से हम लोग गए कोस्टारिका, कोस्टारिका से गए पनामा, और पनामा के ये पनामा आपको देखने को मिलेगा, मतलब अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, अब पहुंच जाएंगे दक्षिणी अमेरिका। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं भाई, अब हम लोग उत्तरी अमेरिका में रहेंगे, हम लोग दक्षिणी अमेरिका क्यों जाएंगे भाई, पनामा क्या है आपको आखिरी इधर देखने को मिलेगा, ये मुख्य भूमिका। लेकिन अभी आप देखेंगे ना, अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो इतने देशों में एक देश ऐसा छूट जाता है, क्या हो जाता है, एक देश ऐसा छूट जाता है, कौन सा, आपको बेलीज देखने को मिलेगा, यानी कि एकमात्र जो छूट गया वही क्या है, एकमात्र ऐसा देश आपको देखने को मिलेगा जिसका संबंध इधर पैसिफिक ओशन से नहीं है, जिसका संबंध पैसिफिक ओशन से नहीं है। और जितने भी अभी हमने यहां तक बताए थे सभी का संबंध किससे देखने को मिलेगा, आपको पैसिफिक ओशन से देखने को मिलेगा। चलिए दोबारा से एक बार आपको घुमाते हैं, आप लोग अपने एटलस खोल करके रखा करिए, कभी कभार हो सकता है ये चीज आपको क्लियर ना दिखे। चलिए आपको एक बार मैप पर दिखा देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको मैप देखने को मिले। देखिए कनाडा हम गायब कर देते हैं, ऊपर समझ लीजिएगा कनाडा है, नीचे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हॉट पॉज है, इसीलिए नीचे की चीज हमको चाहिए। तो देखिए ध्यान से अब यहाँ पर देखिएगा, आपको घुमाते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या देखे थे, कनाडा देखे थे। तो कनाडा मान लीजिए कि ऊपर है, दिमाग में सोच लीजिए भाई थोड़ा सा, तो ऊपर क्या है, कनाडा, कनाडा से हम कहाँ आए, यूनाइटेड स्टेट आए। ओके। फिर हम कहाँ गए, मैक्सिको में गए, मैक्सिको से ग्वाटेमाला आपको देखने को मिलेगा, ग्वाटेमाला से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एल साल्वाडोर देखने को मिलेगा, फिर होंडुरस देखने को मिलेगा, होंडुरस से निकारागुआ, फिर आपको कोस्टारिका, फिर पनामा, पनामा के बाद क्या आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। आप लोग इसी तरह से घूमिएगा, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में हमको नहीं जाना है,
और एक यहाँ पर ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या बच गया, एक देश बच गया जिसको बेलीज बोलते हैं। और यही क्या है कि पैसिफिक ओशन से इसका संबंध नहीं है, मतलब प्रशांत महासागर से नहीं टट रेखा रखता है। घूमते घूमते पता चल गया ना, घूमते ही घूमते पता चल गया। अब देखिए ये चीज आपको पता चल गई। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर कैरिबियन द्वीप समूह भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये तो मुख्य भूमि के देश हो गए, ये क्या हो गया, मुख्य भूमि के देश हो गए। 10 क्या है इसमें, मुख्य भूमि जो हमारा मेन महाद्वीप है, 10 देश पाए जाते हैं। इसके अलावा भी आपको कैरिबियन द्वीप समूह में बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे, द्वीपीय देश जिनको बोला जाता है, या फिर इनको एंटलीज देश भी बोला जाता है, और वेस्ट इंडीज भी आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट इंडीज, अब अगर आप लोग जो क्रिकेटर होते हैं, अगर आप मैच देखने के बहुत ज्यादा शौकीन है, तो वेस्ट इंडीज का है यही आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक देखने को मिलेगा, क्यूबा, हैती, और हैती में ही आपको देखने को मिलेगा डोमिनियन रिपब्लिक भी देखने को मिलेगा, और साथ में इधर आपको देखने को मिलेगा कैरेबियन द्वीप समूह, और ऊपर बहामा द्वीप भी आपको देखने को मिलेगा, और इधर देखिए बरमुडा आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इनके बारे में बहुत विस्तार में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, फिजिकल मैप में पढ़ाया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, एक कैरेबियन द्वीप समूह, एक ही बात ध्यान रख लीजिए, कौन सा भी द्वीप आता है भूल जाइए, कोई नहीं, एकदम दबाव नहीं लेना, बिना दबाव लेकर के पढ़िए आप लोग। ओके, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक क्या है आपको देखने को मिलेगा, क्यूबा है। ओके, और देखिए इधर आप लोग आएंगे तो आपको हैती देखने को मिलेगा, और हैती है देखिए एक ही आइलैंड है, लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर वाला है ये हैती है, और दूसरा क्या है डोमिनियन रिपब्लिक जिसको बोलते हैं, और इधर आपको प्यूटो रिको आपको एक देखने को मिलेगा, और नीचे आप आएंगे तो जमैका देखने को मिलेगा, ऊपर आप देखेंगे तो बहामा द्वीप समूह। बस ये पांच ही याद रख लीजिए, और आपको याद नहीं रखना है वैसे, इधर जो एंटलीज है ना, तो इसमें देखिए कितने सारे द्वीप हैं, और इनमें बहुत सारे देश भी आते हैं। ओके, लेकिन इसमें सभी देश हैं वो स्वतंत्र नहीं है। ओके, किसी ना किसी देश का अधिपत्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यूके लिखा है, यूके लिखा है, यूएस लिखा है, तो देखिए इधर फ्रांस लिखा है, तो जिस देश का नाम लिखा हुआ है तो उसका अधिपत्य है यहाँ पर, समझ गए आप लोग। तो मेन मेन क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, मेन मेन आपको ध्यान रखना है इधर जो आपको देखने को मिलेगा एक क्यूबा, और फिर आपको इधर जो हैती है, और ये वाला है ना दो पार्ट में डिवाइड है, एक तरफ है जो पश्चिम की ओर है वो हैती है, दूसरी तरफ क्या है डोमिनियन रिपब्लिक है, फिर इधर आपको प्यूटो रिको देखने को मिलेगा, नीचे आपको जमैका देखने को मिलेगा, ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा इधर बहामा, और ये एंटलीज द्वीप समूह आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे बहुत सारे। लेकिन देखिए आपको एक चीज अब बताते हैं, बरमुडा ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बताते हैं, देखिए एक क्या है यहाँ पर, ये बरमुडा यहाँ पर द्वीप देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए एक क्या है बरमुडा द्वीप है, और इधर आपको मायामी देखने को मिलेगा। मायामी आप लोगों ने मूवी देखी होगी हॉलीवुड की बहुत सारी, इसमें मायामी दिखाया जाता है जहाँ पर हथियार वथियार बहुत बिकता है। ओके, तो वही क्या है ये मायामी है। देखिए एक ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है मायामी है, और तीसरा आपको ये क्या देखने को मिलेगा प्यूटो रिको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा प्यूटो रिको देखने को मिलेगा। इन तीनों को मिला दीजिए, क्या कर दीजिए इन तीनों को मिला दीजिए, और इसी को बोला जाता है बरमुडा ट्रायंगल। एक कैसा हमको शेप मिल गया, त्रिभुजाकार हमको शेप मिल गया, इसीलिए इसको बोला जाता है बरमुडा ट्रायंगल। और इसी बरमुडा ट्रायंगल में जो भी जहाज बाहर जाता है वो इसके अंदर चला जाता है, क्या चला जाता है अंदर चला जाता है, गायब हो जाता है, एलियन इसको पकड़ के ले चला जाता है। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से बरमुडा ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर है देखिए, यहाँ पर अभी हम आपको बताए थे, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है भाई, यहाँ पर जो जहाज बाहर जाता है तो एलियन के चले जाते हैं। चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग चलते हैं सैटेलाइट की एक इमेज को देखते हैं, और सैटेलाइट की इमेज देखेंगे तो हम लोग कौन है, ज्योग्राफर है हम, एक तरह से ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो उस समय आप ज्योग्राफर हो जाते हैं, जिस समय आपको इतिहास पढ़ाते हैं तो आप कौन हो जाते हैं, इतिहासकार हो जाते हैं। हम लोग क्या है बहुत ही लचीले हैं, हम लोग क्या है बहुत ही लचीले हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी में समझ जाते हैं। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा सैटेलाइट इमेज। ओके, ये क्या है सैटेलाइट इमेज है वो कैरिबियन द्वीप समूह। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर जोन बनता है। लो प्रेशर जोन क्यों बनता है, क्योंकि ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, क्योंकि नीचे आप आएंगे ना थोड़ा सा तो यहाँ से क्या गुजरती है 0 डिग्री की रेखा गुजरती है, तो 0 डिग्री की रेखा के समीप ही लगभग में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इधर से साढ़े कर्क रेखा इधर से गुजरती है,
23 डिग्री, 23 सही, 1/2, ओके 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, ओके। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ही क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर जोन उत्पन्न हो जाता है, और लो प्रेशर जोन जब पर उत्पन्न होता है तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि यहाँ पर बहुत सारी मौसम संबंधी घटनाएं होने लगती है, मतलब तीव्र गर्जन होने लगता है, इसके अलावा बिजली कड़कन के साथ में आंधी तूफान जैसा यहाँ पर माहौल बना रहता है, जिस कारण यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। साथ में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो नीचे जल की सतह होती है, जल की सतह भी आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी अस्थिर हो जाती है, तो यहाँ पर इस तरह से गुम्बार टाइप के बन जाते हैं। वो क्या होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी नदियों वदियों में ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, तो उसमें अगर कोई चीज बवंडर में कोई चीज फंस जाती है तो क्या हो जाता है, शिप अंदर डूब जाता है। और यहाँ पर जो ऊपर से प्लेन व्लेन जाते हैं तो यहाँ पर ज्यादा बिजली बिजली कड़कन की वजह से यहाँ पर इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, साथ में यहाँ जो मशीनें होती हैं उनमें खराबी आ जाती है, जिस कारण कभी कभार ये क्या हो जाते हैं भाई, ये भी नीचे चले जाते हैं और जाकर के नीचे समा जाते हैं, और यहाँ पर इतना सारा इनबैलेंस होने की वजह से ये चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसीलिए इसको मिस्ट्री आइलैंड की वजह से या फिर मिस्ट्री जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके नीचे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे शिप हो गए, ओके प्लेन हो गए, वो यहाँ समुद्र के अंदर देखने को मिलेंगे, तो वो कहीं नहीं गए हैं यहाँ पर ही, बस क्या हो गया उनसे संपर्क टूट गया, संपर्क टूटने के बाद वो अंदर समुद्र की गहराइयों में समा गए, और समा जाने के कारण वो हमारी पहुंच से बाहर हो गए, और हमारी पहुंच से अगर बाहर हो गए तो हमारे लिए क्या हो गया भाई, उनको कोई निगल गया, उनको कोई खा गया। तो आज भी इस जोन से जब कोई भी प्लेन गुजरता है तो उनका कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा आज भी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन अब क्या है, यहाँ से थोड़ा सा बचा करके प्लेन में ले जाया जाता है, क्योंकि अब हमारे पास सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट से हम लोग देख लेते हैं मौसम कैसा है, किस समय मौसम खराब होने वाला है, तो हम मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, जिससे इस प्रकार की अब घटनाएं बहुत कम देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले इस प्रकार की घटनाएं बहुत होती हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल आज हम लोगों को समझ में आ गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। देखिए दक्षिणी अमेरिका को भी उसी तरह से पढ़ेंगे और आपको एक कॉन्सेप्ट दे देंगे, ओके। अभी देखिए उत्तरी अमेरिका में भी एक चीज आपको देखने के लिए रह गई है कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश, कर्क रेखा जहां से गुजरती है तो किन किन देशों से होकर के गुजरती है, वो भी अभी आपको पढ़ेंगे। तो देखिए इसको कैसे पढ़ना है, तो देखिए इसको कोलंबिया से स्टार्ट करना है, तो देखिए कोलंबिया तो पनामा में आए थे ना, तो पनामा से आगे आएंगे तो क्या पड़ेगा, कोलंबिया पड़ेगा। तो अगर पूछा जाए पनामा देश से संबंध किससे है तो कोलंबिया से, इसी तरह से आपको पढ़ना है, इधर उधर भटकना नहीं है। तो देखिए हमको क्या मिला, कोलंबिया, पनामा से आए तो हमें क्या मिला, कोलंबिया। तो कोलंबिया क्या है, आपको हम मान लेते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का पहला है हमारे लिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं भाई, घूम रहे हैं। अब देखिए इधर से आएंगे तो तट के किनारे किनारे चलिए, अब क्या है तट के किनारे किनारे आप चलिए, आपको मिला कोलंबिया, फिर दूसरा क्या मिला इक्वाडोर, फिर पेरू, पेरू के बाद आप आइए देखिए, फिर आपको क्या मिला चिली मिला, चिली के बाद आप इधर घूम जाइए तो आपको क्या मिला अर्जेंटीना मिला, अर्जेंटीना के बाद देखिए आपको उरुग्वे मिला, साइड से हम लोग किनारे किनारे जा रहे हैं, ओके। और फिर हमको ब्राजील मिला, ब्राजील के बाद हमको फ्रेंच गोयना मिला, फिर हमको सूरीनामा मिला, सूरीनामा के बाद गोयना मिला, फिर हमको क्या मिला यहाँ पर वेनेजुएला मिला। अब देखिए वेनेजुएला तक आते आते हम लोग 11 देशों तक देखिए, अब देखिए आप, अरे ये थोड़ा सा हैंग कर करता है, बस थोड़ा सा इसको पानी पी लेने दीजिए, ओके वेट कर लेते हैं बेचारे को, 1 सेकंड दे दीजिए बेचारे को, थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ये कब हो जाता है, जब हम बहुत लंबी लाइन खींचते हैं इस पर तब ये बेचारा हैंग कर जाता है, अगली बार से लंबी लाइन नहीं खींचेंगे, ऐसे हम पॉइंटर रखेंगे, आप लोग सोचिएगा हम उधर से घूमते हुए जा रहे हैं, ओके हाँ अब ये चलने लगा। तो देखिए ये क्या हुआ था, तो इस तरह से हम कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे वेनेजुएला तक आ गए थे। अब देखिए वेनेजुएला के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 कंट्री बचती हैं, क्योंकि हम तट के किनारे किनारे घूमते हुए आ रहे थे, जब हम घूमते आ रहे थे तो सिर्फ 2 कंट्री बच गई, कौन कौन सी 2 कंट्री बच गई भाई, एक बच गई इधर बोलिविया बच गई, ओके एक कौन सी बच गई, बोलिविया बच गई, और दूसरी पराग्वे बच गई। अब देखिए बोलिविया और पराग्वे ही इस महाद्वीप की 2 ऐसी कंट्री हैं, 2 ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक हैं, जो लैंडलॉक मतलब ये तट रेखा नहीं रखते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन से देश हैं जो तटीय रेखा रखते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग इसी तरह से घूमते आएंगे हमेशा, आपको दिमाग में हिट करेगा, अच्छा जब मैं घूम रहा था मैं सभी घूम लिया था लेकिन 2 देश बच गए थे, दक्षिणी अमेरिका के 2 देश बच गए थे, कौन सा बच गया था,
एक बोलेविया बच गया था, दूसरा पराग्वे बच गया था। यही दोनों कौन से हैं? यही दोनों ऐसे हैं जो लैंडलॉक हैं। यही दोनों क्या हैं? लैंडलॉक है। तो आप लोगों को कहाँ से घूमना है? इस तरह से कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, फिर चिली, अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, ब्राजील से होते हुए फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, और फिर आपको वेनेजुएला देखने को मिलेगा। और दो रह गई अभी, दो कौन सी रह गए? बोलेविया, पराग्वे रह गया। अब रह गया यानी कि लैंडलॉक था भैया, इसीलिए रह गया। ओके। और उधर क्या था? उधर बेलीज रह गया था। तो बेलीज एक ऐसा था जो प्रशांत महासागर से तट रेखा नहीं रखता था। तो देखा आप लोग घूमते हुए आए, टूर करते हुए आए, इसी तरह से हमेशा घूमिए। और जिस दिन इस तरह से घूमने लगेंगे उस दिन से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्या करना है? डेली सुबह उठिए और सिर्फ 1 मिनट से कम समय लगेगा आप लोग के लिए घूमते हुए, बस दिमाग में रख लीजिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि मकर रेखा, ये आपको देखने को मिलेगी मकर रेखा। ओके। ये क्या है? 30.5 डिग्री वाली है, साउथ वाली। 30.5 डिग्री की जो रेखा है ये कौन सी है? साउथ वाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ये मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। और देखिए साथ में आपको देखने को मिलेगा इक्वेटर, यानी कि एक ऐसा ये महाद्वीप है जहां से विषुवत रेखा और साथ में मकर रेखा दोनों रेखाएं से होकर के गुजरती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किससे दोनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं? यूरोप देगा, उत्तरी अमेरिका देगा, भारत दे देगा, दक्षिणी अमेरिका दे देगा। तो आपको बताना है उत्तरी अमेरिका नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका है जहां से मकर रेखा और साथ में विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री की रेखा क्या है, विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर है, वो दोनों गुजरते हैं। ओके। ये जो देखिए ऊपर वाला है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर ये दोनों दक्षिणी अमेरिका से होकर के गुजरते हैं। लेकिन अगर और थोड़ा सा डीप में आ जाए कि किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो देखिए जो मकर रेखा है वो एक ब्राजील से होकर के गुजरती है। किससे होकर के गुजरती है? ब्राजील से होकर के गुजरती है। दूसरा पराग्वे से होकर के गुजरती है। तीसरा अर्जेंटीना से गुजरती है और चौथा चिली से गुजरती है। यानी कि मकर रेखा है वो 4 देशों से होकर के गुजरती है दक्षिणी अमेरिका के। कौन कौन सा? एक ब्राजील है, दूसरा पराग्वे है और तीसरा अर्जेंटीना है, चौथा चिली है। बहुत ज्यादा सिंपल है, इन 4 देशों के नाम है आप लोगों के लिए रट लेने हैं। और इसी तरह से इक्वेटर है वो किससे होकर के गुजरता है? वो एक ब्राजील से होकर के गुजरता है, दूसरा कोलंबिया से होकर के गुजरता है। और कोलंबिया से ही हम क्या आए थे? हम उत्तरी अमेरिका पनामा से होते हुए कोलंबिया से ही आए थे। तो कोलंबिया से भी गुजरता है और साथ में इक्वाडोर से भी गुजरता है। देखिए अभी आपको रिवीजन कराए करेंगे, इसी में चीजें ऐड कराएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इक्वेटर, यानी कि जो इक्वेटर है वो वो 3 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से? 3 देशों से होकर के गुजरती है। ओके। तो इक्वाडोर हो गया। अब देखिए इक्वेटर है तो इक्वाडोर को वैसे ही मिलता जुलता है। कोलंबिया से हम लोग आए थे पनामा से, तो उससे भी होता है। ब्राजील इतना बड़ा है तो उससे भी होता है। अब आप लोग एक चीज देखिए, एक ऐसा देश है इसमें, कौन सा देश है? ब्राजील एक ऐसा देश है जहां से इक्वेटर और साथ में जो मकर रेखा है दोनों रेखा यहां से गुजरती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिससे विषुवत रेखा और साथ में मकर रेखा दोनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो देखिए ब्राजील क्या हो गया? बहुत महत्वपूर्ण हो गया, जहां से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ओके। अब देखिए हम लोग एक बार अमेरिका का भी देख लेते हैं। कर्क रेखा भाई वो कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है? तो देखिए ये क्या है? कर्क रेखा है। ओके। ये क्या है? कर्क रेखा आपको देखने को मिलेगी। तो कर्क रेखा आप लोग देखिए, जो मेन महाद्वीप है सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको से होकर के गुजरती है, और ये मैक्सिको को 2 बराबर भागों में बांटती है। ओके। मैक्सिको से होकर के गुजरती है। आप लोगों ने देखा कौन सी, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, और ये मैक्सिको को लगभग में 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। कितने हिस्सों में? लगभग में दो दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपसे हो सकता है, पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा अमेरिका से होकर के गुजरती है, तो आप सोचेंगे यार यूएसए से होकर के हो सकता है गुजरती होगी। ओके। लेकिन नहीं। और देखिए कर्क रेखा है वो भारत से भी गुजरती है, तो भारत के मध्य से गुजरती है, मतलब भारत को भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। उसी तरह से मैक्सिको को भी दो
बराबर हिस्सों में कर्क रेखा विभाजित करती है। ओके, तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है। ओके, चलिए ये चीजें हैं, आप लोगों को इसी तरह से इसी क्रम में देशों को इस तरह से बनाते हुए चलना है। और आप कहेंगे कि सर हम ये मैप अच्छे से नहीं बना पा रहे। मैप आपको बनाना है, जैसे बना पा रहे हो वैसा बना लीजिए, नहीं बना पा रहे हो तो ब्लैंक मैप ले आइए, ब्लैंक मैप चिपका लीजिए कुछ दिनों के लिए, बस एक ब्लैंक मैप ले आइए ज्यादा नहीं। और उसी से क्या करिए, बचपन में क्या करते थे, ऐसे मैप रखते थे और मैप रखने के बाद मतलब कोई भी चीज से चित्र बनाना होता, जैसे आम बनाना नहीं आता था हमको, हम बता रहे अपना, आप लोग तो बड़े समझदार थे, आप लोग सब बना लेते होंगे, तो हम एक मैप रखते थे, मतलब मैप नहीं, मतलब जो भी चित्र बनाना होता था मंकी मंकी का रखते थे और ऐसे पेंसिल वेंसिल से बना करके 2 मिनट में बना देते थे, छाप देते थे। तो एक मैप ले लीजिए, उसी से आप हमेशा छापते रहिए, फिर क्या होगा, हल्के हल्के आप लोगों के हाथ वैसे प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आप लगभग में 13 सेकंड के अंदर पूरा वर्ल्ड मैप बना दिया करेंगे। उससे भी कम समय में अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 7 से 8 सेकंड में पूरा वर्ल्ड मैप आप लोग ड्रॉ कर दिया करेंगे। प्रैक्टिस करना है, अभी स्टार्टिंग में नहीं हो रहे भाई, ये जो बचपन में करते थे वही करो ना, लेकिन कुछ करना है। ओके, खाली नहीं बैठना। चलिए हम लोग आते हैं और हम मेन चीज देखते हैं भाई, क्लासिफिकेशन देखते हैं जो आपको बताए थे। तो देखिए, जो आपको ऊपर का देखने को मिलेगा वो क्या है, उत्तरी अमेरिका है। ओके, उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। लेकिन देखिए, अभी आपको देखने को मिलेगा जो मैक्सिको है, देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, मैक्सिको है, मैक्सिको से लेकर के पूरा का पूरा जो दक्षिणी भारत में दक्षिणी अमेरिका है, इसको क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका बोलते हैं। देखिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी देश आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिकी देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिकी देश बोलते हैं। तो लैटिन अमेरिकी में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको भी आता है। क्या आता है, मैक्सिको भी लैटिन अमेरिका में आता है, और मैक्सिको के बाद जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वो सब लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चलिए लैटिन अमेरिका तो आपको समझ में आ गया, तो जितने भी दक्षिणी अमेरिका के हैं, साथ में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको के बाद जितने भी देश हैं वो सब लैटिन अमेरिका में। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जहां से मैक्सिको स्टार्ट होता है और साथ में जहां पर पनामा खत्म होता है। ओके, कहां पर, तो देखिए एक कहां से स्टार्ट होता है, तो आपको देखने को मिलेगा जो मैक्सिको है, ओके मैक्सिको है, वहां से प्रारंभ होता है, वहां से लेकर के पनामा तक, पनामा तक। तो देखिए मैक्सिको से लेकर के पनामा तक का जो क्षेत्र है, पनामा तक का क्षेत्र है, यहां पर जितने भी देश आते हैं वो किस में आते हैं, मध्य अमेरिका में आते हैं। किस में आते हैं, मध्य अमेरिका में आते हैं। और इसमें से अगर हम मैक्सिको को हटा दें, ओके किसको हटा दें, मैक्सिको को अगर हम इसमें हटा दें, और कहां से, फिर ग्वाटेमाला से। देखिए अब क्या किया, हम मैक्सिको को हटा दिए, अब क्या हुआ, यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, ग्वाटेमाला स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, ग्वाटेमाला। ओके, ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला से लेकर के पनामा तक का जो रीजन है, पनामा तक का रीजन है, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय अमेरिका बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। और पनामा से लेकर के अगर हम मैक्सिको तक की बात कर लें, तब हम इसको मध्य अमेरिका बोलते हैं, मिडिल अमेरिका बोलते हैं। और अगर हम मैक्सिको से लेकर के अगर हम दक्षिणी अमेरिका तक चले जाएं सभी देशों को, तो इसको क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका बोलते हैं। और ऊपर क्या है, देखिए आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, इसको उत्तरी अमेरिका में रखा जाता है। एक क्लासिफिकेशन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं और आप इस चीज को बना लीजिए। तो देखिए ये लाइन कौन सी, ये मैक्सिको वाली लाइन है, और यहाँ से क्या होता है, मैक्सिको खत्म होता है, मैक्सिको देश खत्म होता है, तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, ग्वाटेमाला स्टार्ट हो जाता है। ओके, और नीचे क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पनामा। तो बस ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो एक क्लासिफिकेशन है, आप लोगों ने देख लिया, अब आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जाकर के अपने एटलस को खोजिए। एटलस में खोजने के बाद आपको उसमें वर्क करना है, डेली 5 मिनट एटलस लीजिए, ज्यादा नहीं बस 5 मिनट आप लोगों के लिए देना है। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने देखी। इसके अलावा देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोग बता देते हैं, अगर आप लोग हमसे क्लासेस करना चाहते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 99 रुपए प्रति मंथ में हम लोग एक नया बैच लेकर के आए हैं, अचीवर बैच,
यहाँ पर जो नई क्लासेस हैं वो अब ज्योग्राफी से स्टार्ट हो रही है, मतलब भारत के भूगोल से स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो आप लोग जल्दी से इसमें लोग एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ 99 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग वन टाइम पेमेंट करते हैं और इस कोड का उपयोग करते हैं आरजी सर 9, तो इस कोड का यूज करने पर आपको एक्स्ट्रा 60% ऑफ दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ 999 रुपये में आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं क्लब ASP.NET, और उसको इंस्टॉल करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबाइल नंबर OTP आता है वो आप लोग जानते हैं। फिर आपको देखिए यहाँ पर एक होम दिखेगा, बैचेस दिखेगा, स्टोर, तो स्टोर पर आप लोगों के लिए आना है। तो ये हमारा ओल्ड बैच चल रहा है, ओके, तो इसमें आप लोगों के लिए एडमिशन नहीं लेना है। अचीवर बैच, ये नया बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसकी जो फीस है वो 2376 रुपये आप लोगों को दिख रही है, लेकिन अगर आप लोग आरजी सर 9 कोड यूज करेंगे तो इसकी जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये अभी हो जाएगी। अभी ये छूट दी जा रही है, बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी, जल्दी से आकर के नोट कर लीजिए। और इसी में अगर आप लोग मंथली पे करना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपये पर मंथ, तो इसमें एक ऑप्शन आता है इंस्टॉलमेंट का, तो आप लोग जब जाएंगे तो वहां पर दिया रखा होगा पे इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट आप लोग ले लेंगे तो सिर्फ 99 रुपये प्रति मंथ जाएगा। तो आप लोग जाकर के यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस है, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक चलती है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ ए टू जेड दिया जाता है, स्टडी मटेरियल से लेकर के ए टू जेड। ओके, इसके अलावा जो टास्क है वो आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड कराया जाता है, सुबह 8 बजे वीडियो आपको मिल जाती है, जाकर के देख लीजिए और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए इस बैच में किस तरह से इस सारी क्लासेस आपके लोग चलेंगी, मतलब किस पर हम कितनी क्लासेस आप लोगों के लिए देने वाले हैं, ये फुल डिटेल दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसमें देखिए जो अचीवर बैच का एक फोल्डर हम बनाए हैं, इसी में हमने कुछ वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, डेमो वीडियो है, जाकर के आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और फिर डेमो वीडियो देखने के बाद आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर विजन वाली एक जो क्लब ASP.NET हमारा चैनल है यूट्यूब पर, यहाँ पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में आप लोग आएंगे तो देखिए एक विजन टेस्ट सीरीज वाला ये है, यहाँ पर ही आपको सारी वीडियो मिलेंगी विजन से रिलेटेड, चाहे करंट अफेयर हो या फिर यहाँ पर कैसे आपको PDF डाउनलोड करनी है, या फिर आपको देखने को मिलेगा और भी जो जेड हम प्रोवाइड कराने वाले सब यहाँ पर मिलेगा। मैपिंग वाली ये सीरीज है, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं जाकर के आप लोग, और चैनल को तो जरूर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आप लोगों के कोई भी चीज मिस ना हो। और देखिए टास्क वाली है, तो ये टास्क है जो डेली आपको प्रोवाइड कराया जाता है, आप लोग इसके अनुसार अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें भी मैपिंग लोकेशन दी जाती है, जो सब मैपिंग लोकेशन इसमें दी गई है इसी क्रम में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो आप लोग जाकर के ज्यादा से ज्यादा ये इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और आप लोगों के लिए इसी तरह से सब कुछ हम लाते रहेंगे। ओके।